हेलो स्टूडेंट्स मैं करतार सिंह तंवर आपका इंग्लिश की क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। हम लोग ईडियम्स पे बात कर रहे हैं वी आर डिस्कसिंग ईडियम्स अ लास्ट क्लास में हम लोगों ने आरपीएससी और जो दूसरी जो एग्ज़ाम की एजेंसीज हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन पर बात कर रहे थे एंड वी हैव सॉल्व ऑलरेडी सिक्सटी क्वेश्चनस हमने सिक्सटी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इडियम्स को और जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं और क्या देखेंगे कि भाई क्या कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं क्या एग्ज़ाम्स में उन पर भी हम लोग नज़र डालेंगे और साठ uh, क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे अब उससे आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन पर बढ़ते हैं उससे पहले मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि मैंने आप लोगों को ई पर कुछ पी भेज रखे हैं जिनमें थियोरी है उसमें ई हैं उनके हिंदी मीनिंग्स हैं उनके इंग्लिश में मीनिंग हैं और उनके एक एक दो दो एग्ज़ाम्पल्स भी दिए हुए हैं उनको आप पहले पढ़ लें अच्छी तरह से एक बार रीडिंग मार लें और मैंने कहा था कि उन ई को ना कनेक्ट करने की कोशिश करें उन शब्दों से उनके मीनिंग से कि अपने दिमाग से उनको थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करो कि और आप चाहें तो अपने गूगल पर जाकर के उन शब्दों के उनके ऑरिजन भी देख सकते हैं कि ये मुहावरे बने कैसे हैं ऑरिजन देखने से ना भी उनके अंदर आपकी कनेक्टिविटी बनती है कि अच्छा ये ऐसे बना ये हरक्यूलियन टास्क ऐसे बना अकेलिस हील ऐसे बना गोडियन नॉट को कट करना ये कैसे बना तो ये गोंटलेट वाला हमने कल देखा था टेकअप द गटलेट तो ये इनका औरिजन क्या रहा है इनकी मिथोलॉजी में क्या कहानियाँ हैं अगर उनको भी आप पढ़ लेते हैं गूगल पर जाके देख लेते हैं तो ना ई आपके दिमाग में परमानेंट रूप से बैठ जाएंगे इवन इतने तो बैठ ही जाएंगे कि आप क्वेश्चन देखते ही टिक सही आंसर पर लगा सकते हो तो प्लीज़ एक बार आप जो नोट्स मैंने आपको अवेलेबल करवाए हैं उनमें जो आए हुए ई हैं उस जो ई जो आ रखे हैं उनको आप पढ़ लें याद करें ठीक है और उसके बाद अपने इन क्वेश्चनस को सॉल्व करें ठीक है और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर वापस से एक बार आप उस वीडियो को वीडियो को भी देख लें और मतलब उस जो थ्योरी आपको दे रखी है उसको फिर एक बार आप पढ़ लें और फिर एक बार क्वेश्चंस करें दो बार थियोरी पढ़ें दो बार क्वेश्चंस करें इससे बहुत अच्छे तरीके से आपको एडियम्स याद हो जाएंगे ठीक है मैंने कोशिश की है कि जो एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं खासकर राजस्थान में उन क्वेश्चन को हमने यहाँ इंक्लूड किया है पेपर में और उसी के आधार पर वो नोट्स भी बनाएँ तो आप उन नोट्स को पढ़ेंगे अच्छी मेहनत करेंगे तो आपको और ज़्यादा मजा आएगा ठीक है स्टूडेंट्स तो हम शुरू करते हैं ये हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन देखिए आप लोग ये आपका क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन है आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे टू बीट अबाउट द बुश ये मैंने बताया था ये जस्ट ऑपोजिट है एक ईडीएम का जिसे हम कहते हैं कॉल स्पेड अस्पेड मतलब क्लियर कट बात करना सीधी बात करना विदाउट मिंसिंग वर्ड्स बिना शब्दों को मिंस करे हुए बिना उनको मिलाए घालम घेल करे हम जो शब्दों को सीधा बोलते हैं बात को सीधा बोलते हैं वो होता है कॉल अ स्पेड अ स्पेड उसका जस्ट अपोजिट होता है बीट अबाउट द बुश मैंने कहा था वो झाड़ी के पास आप वो डंडे से मारे जा रहे हैं कि मर जा सांप मर जा सांप तो सांप कहाँ से मरेगा क्योंकि आप तो सीधे पॉइंट पे मार ही नहीं रहे तो ऐसे सीधे पॉइंट पे बात ना करके इधर उधर की बात करना घुमा फिरा के बात करना राउंड अबाउट मैनर से बात करना वो कहलाता है बीट अबाउट द बुश किस एग्ज़ाम में है टीचर ग्रेड थर्ड नागौर जिले में एक एग्जाम हुआ था 2013 में उसमें क्वेश्चन आया हुआ है और इसका हो जाएगा टू से थिंग्स इन अ राउंड अबाउट मैनर चीजों को ना घुमा फिरा करके कहना घुमा फिरा के बात करना तो आपका ए आंसर हो जाएगा टू से थिंग्स इन अ राउंड अबाउट मैनर चीजों को राउंड अबाउट मैनर में घुमा फिरा के बात करना कहलाता है बीट अबाउट द बुश ठीक है इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू देखिए एट द इलेवंथ आवर ये कल भी बात हो गई थी हमारे घड़ी में बारह घंटे होते हैं ग्यारहवें घंटे पे आप काम शुरू कर रहे हो मतलब आखिरी क्षणों में अंतिम क्षणों में लास्ट मोमेंट पे आप काम कर रहे हो मतलब बीच में नहीं शुरू में नहीं बल्कि आखिरी के क्षणों में बात हुई थी कल हमारी तो उसी के देखो तो क्वेश्चन फिर आ गया ये कल किसी एग्जाम में आया था आज किसी दूसरे एग्जाम में भी देख लिया हमने तो ताकि अभी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आपको ये पता लग रहा है कि हाँ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं वेरी क्लोज टू अचीव इसका मतलब कोई चीज़ को पा पाने में प्राप्त करने में आप बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए बस आप मिलने वाली है चीज़ आपको ये मतलब होता है नहीं वैन इट इज़ ऑलमोस्ट टू लेट ये सही है जब आप बहुत लेट हो जाते हो भाई अब तो अंतिम क्षणों में मतलब बारह घंटे होते हैं ग्यारहवें घंटे में काम शुरू कर रहे हो इसका मतलब अब बहुत लेट हो गया आप वैन इट इस ऑलमोस्ट टू लेट सस्पीसियस होना क्वैरलिंग झगड़ा करना नहीं वैन इट इज ऑलमोस्ट टू लेट जब आप बहुत लेट हो जाते हो उसके लिए आप यूज करते हैं ठीक है ना आ, तो ये हो गया सेकेंड एट दिलवेंथ आवर उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन. पे. ये हो गया आपका ड्रॉप इन द ओशन ओशन होता है महासागर बड़ा समुद्र खूब पानी होता है उसमें एक बूंद पानी क्या फर्क पड़ेगा इतने बड़े जहां जो सैकड़ों किलोमीटर में फैला हुआ होता है उसमें एक बूंद पानी से क्या फर्क पड़ेगा कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा ये मतलब ना के बराबर है इनसिग्निफिकेंट थिंग है जैसे हिंदी में बोलते हैं ना ऊँट के मुंह में जीरा इंग्लिश में कहते हैं ए ड्रॉप इन द ओशन तो इसका हो जाएगा ए सेल्फिश फ्रेंड नहीं टू लिव इन अलैविशली गुलामी से जीना नहीं क्वाइट इनसिग्निफिकेंट अमाउंट बिल्कुल अपर्याप्त मात्रा बहुत कम मात्रा क्वाइट insignificant amount, अमाउंट बिल्कुल कम मात्रा के लिए होता है ऊंट के मुंह में जीरा बहुत कम मात्रा है। ड्रॉप इन द ओशन टू ओवरकम समथिंग डिफिकल्ट नहीं ये सब मतलब नहीं होगा केवल सी आंसर हो जाएगा हमारा ठीक है ओके okay, आगे देखिए आप लोग ए बैड ऑफ रोजेस ए बैड ऑफ रोजेज कहते हैं लोग जिंदगी जो है ना वो फूलों की सैया नहीं होती ज़िंदगी इतनी आरामदायक नहीं होती ऐसे लोग बोलते हैं लाइफ इज़ नॉट अ बैड ऑफ़ रोज़ेज़ तो बैड ऑफ़ रोज़ेज़ मतलब होता है वैसे तो भाई गुलाब के फूलों से बनी हुई सैया या बेड बिस्तर आपका लेकिन इसका वो बहुत ही कंफर्टेबल होता है बहुत अच्छा लगता है बहुत ही खूबसूरत होता है बहुत ही खुशबार होता है लेकिन आ, ऐसा ज़िंदगी होती नहीं है एक्चुअली यहाँ बहुत कष्ट है यहाँ बहुत तकलीफ़ें हैं कि बेड ऑफ रोजेज़ मतलब होता है बहुत अच्छा आरामदायक बढ़िया

बैड ऑफ रोजेस ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टू बी बॉर्न सिल्वर स्पून इन द माउथ मुंह के अंदर सोने की चांदी की चम्मच लेकर पैदा होना देखो हमारे यहां एक परंपरा है इंडिया में कि हम लोग क्या करते हैं जब कोई बच्चा पैदा होता है ना तो उसे वो हमारे इंडिया में भी बाहर भी होगी बच्चे को ना वो एक गुट्टी पिलाई जाती है एक गुट्टी पिलाई जाती है उसको वो परिवार के जो समाज के जो गांव के जो अच्छे पड़े समझदार लोग होते हैं उनके द्वारा वो गुट्टी पिलाई जाती है जन्म गुट्टी इसको आप बोलते हैं बच्चे के मुंह में डाली जाती है अब उससे आप खिला रहे हैं या पानी पिला रहे हैं कुछ भी कर रहे हो चम्मच किस तरह की है अगर वो चम्मच टूटी फूटी है बेकार सी है हाथ से ही आप चटा रहे हैं उसको या फिर चम्मच सोने की है चांदी की है उसके मुंह में चांदी की चम्मच से आप जो है उसको खिला रहे हो पैदा जब हुआ तब से उसके मुंह में चांदी की सोने की चम्मच है इसका मतलब बहुत ही अमीर घर में पैदा हुआ है बहुत ही प्रॉस्प्रस रिच फैमिली में वो बॉर्न हुआ है और उसकी जिंदगी बहुत सुखनुमा गुजरने वाली है इसको एहसास हो जाएगा शुरू में ही कि यार अपने को तो चांदी की चम्मच से यहाँ पे जन्म घुट्टी पिलाई जा रही है या कुछ चीज़ें खिलाई जा रही हैं तो इसका मतलब अपने को जीवन में ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं सब अप है सब कुछ सेटअप है लाइफ के अंदर तो वो ऐसे लोग जो बहुत अमीर परिवार में पैदा होते हैं बहुत ही प्रॉस्प्रस समृद्ध फैमिली में जो पैदा होते हैं उन्हें आप कहते हैं बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून ठीक है ना बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन द माउथ तो क्या हो जाएगा टू टेक बर्थ इन अ पुअर फैमिली गरीब परिवार में पैदा होना नहीं टू टेक बर्थ इन अ रिच फैमिली अमीर परिवार में पैदा होना बिल्कुल ठीक है टू भी इन कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन में होना टू बी वेरी पॉपुलर नहीं ये हो जाएगा टू टेक बर्थ इन अ रिच फैमिली एक अमीर परिवार में पैदा होना टू बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ अपने मुँह में सिल्वर स्पून लेकर के पैदा होना ये होता है अमीर घर में पैदा होना खुशहाल परिवार में पैदा होना ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डिस्टिंग्विस्ट हिमसेल्फ डिस्टिंग्विस्ट हिमसेल्फ यानी बहुत ही फेमस बहुत ही फेमस करना डिस्टिंग जाना पहचाना बन जाना तो कल भी बात की थी हमने कि बहुत नाम पाना टू सक्सीड ब्रिलियंटली बहुत जीवन में बहुत ही शानदार तरीके सफलता प्राप्त करना अपना नाम कमाना जान पहचान करना नाम बनाना ंगस्ट हिमसेल्फ तो इन गुड बुक्स ऑफ किसी की नज़र में अच्छा होना खासकर बॉस वगैरह की नज़र में जो एम्प्लॉज अच्छे होते हैं उनको बोलते हैं इन गुड बुक्स ऑफ मेड इज मार्क यस कल उन्हें पढ़ा था मेक वंस मार्क अपने जीवन में एक मुकाम बना रखा है मार्क बना रखा है और उसको अगर आप पा लेते हैं तो मेक वंस मार्क और यह डिस्टिंग्विस्ट में जो है सेकेंड फॉर्म है देखिए आप यहाँ सेकेंड फॉर्म है तो अब मेक की सेकेंड फॉर्म मेड हो गई मेड हिज मार्क उसने अपनी जो उपलब्धि हासिल करनी थी जो मुकाम हासिल करना था वो उसने हासिल कर लिया वो नाम कमा लिया वो डिस्टिंग्विस्ड हो गया जाना पहचाना नाम हो गया मेड इज़ मार्क ये होता है अच्छा एक एट सिक्स एज एंड सेवन भी एक मुहावरा हो होता है एट सिक्स एज एंड सेवन्स इसको ना अगर ट्रिक बना के याद करने तो आप ऐसे याद कर लो वैसे पता नहीं इसका तो ओरिजिन क्या है बट एक सिंपल सा ट्रिक आप याद कर सकते हैं जैसे क्रिकेट के मैदान में चौके छक्के लगाते हैं सिक्स सेवन चौके छक्के मतलब कभी गेंद इधर जा रही है कभी गेंद इधर जा रही है तो जब फैल रही है इधर उधर तितर बितर होना एट एंड सेवन्स चीजों का तितर बितर होना इधर उधर फैलना एक जगह नहीं रहना प्रॉपर ऑर्डर में ना होना वो कहलाता है एट सिक्स एंड सेवन इसका जस्ट ऑपोजिट होता है एपल पाई ऑर्डर एपल पाई ऑर्डर मतलब हर चीज नीटली व्यवस्थित क्रम में प्रॉपर तरीके से चीजें रखी हुई हैं उसको बोलते हैं एपल पाई ऑर्डर इसका ऑपोजिट होता है एट सिक्स एंड सेवन्स ठीक है चीज़ों का इधर उधर होना तितर बितर होना फैलावा होना ये हो गया तो अपना यहाँ डिस्टिंगविस्ड है नाम कमाना प्रसिद्धि पाना ब्रिलियंटली सक्सीड होना तो वो आप कहाँ से बैठेगा इसके अंदर मेड हिज मार्क कि उसने अपनी ज़िंदगी में एक मतलब कामयाबी हासिल करी है ठीक है ये हो जाएगा ये पहले भी कल भी आ चुका था आज दोबारा फिर आ गए क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन देखिए आप लोग आर इकोनॉमी इज इन द डोलड्रम्स ये कल भी आया था यहाँ पे आप ना फुल स्टॉप मानना सेंटेंस से लास्ट से फुल स्टॉप होना चाहिए था आर इकोनॉमी इज इन द डोलड्रम्स मैंने बताया था इन द डोल इन द डोलड्रम्स हमारी जो इक्वेटर है धरती की भूमध्य रेखा उसके पास जो समुद्र है उसके आसपास जो वहाँ जब जहाज पहुँचते हैं तो जहाज़ों की गति बहुत धीरे हो जाती है उनका चलना बहुत धीरे हो जाता है क्योंकि वहाँ विंड नहीं चलती है वहाँ हवा नहीं चलती है। तो जब भी आपका जीवन कभी रुक सा जाए ठहर सा जाए या कोई ऐसी दुखी घटना हो जाए आप बहुत दुखी सैड हो जाएं, डिप्रेस्ड हो जाएं, आपका काम करने का मन ना करे आगे बढ़ने का मन ना करे जीवन बड़ा बोझिल सा बड़ा बोरिंग सा बड़ा थका थका सा हो जाए उसको बोलते हैं इन द डोल्स डोल ड्रम्स वो जगह होती है इक्वेटर के पास सब कुछ रुक सा जाता है ठहर सा जाता है बड़ा उदासीन सा लगता है वहां होगा इट इज अनसर्टेन एंड फीलिंग बिल्कुल आपका जीवन अनिश्चित हो जाता है फीलिंग असफलता वाला बैठ रहा है सटीक और देखते हैं इट इज इंप्रूविंग इम्प्रूव हो रहा है नहीं है तो अपोजिट हो गया इट इज चेंजिंग बदल रहा है ये मतलब नहीं है इट इज सर्टेन ये निश्चित है निश्चित नहीं अनिश्चित है क्या करें क्या ना करें यार कैसे आगे बढ़ेंगे उसको so, कुछ समझ नहीं आता क्या करें बिल्कुल आप बना रुक से जाते हो जिंदगी ठहर सी जाती है तो इट इज़ अनसर्टेन एंड फेलिंग ये अनसर्टेन होता है ये फेलिंग होता है रोक देने वाला होता है ठीक है ये हो जाएगा ओके okay, आगे चलते हैं वन प्रूवन वे टू बीट एन एनिमी दुश्मन को हराने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका एक सिद्ध किया हुआ तरीका है इस फाइंड इज एक्लिस अगर उसको हराना है तो उसकी दुखती रख को ढूंढ लो हम बात कर रहे थे अकेले सील कमज़ोर पॉइंट किसी का वीक पॉइंट देख लो उस पर हाथ रखो वो मर जाए जैसे फिल्म देखा हो आपने विलन से हीरो हार नहीं रहा है वो फाइटिंग शानदार करता है वो उसको हरा देता है लेकिन फिर विलन दिमाग लगाता है कि इसकी अकेली सील क्या है इसका वीक पॉइंट क्या है इसकी दुखती रख क्या है फिर वो उसकी लवर को या उसकी माँ को उसके परिवार के किसी परिवार के किसी जन को वो ना किडनैप कर लेते हैं पकड़ लेते हैं गिरफ्त वो उसको आ, कैद कर देते हैं कहीं पर फिर विलन जो है अपनी बात मनवाता है आ, अपने दुश्मन के उस दुखती रख पे हाथ रखें भाई इसको मार दूंगा अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो, तो ऐसे ना दुश्मन को हराना हो तो एक बहुत ही सिद्ध तरीका है कि उसके आप दुखती रख पे हाथ रखो रख वीक पॉइंट अमलेट वीक स्पॉट स्ट्रॉन्ग पॉइंट सिक्रेट स्ट्रेटेजी वीक, वीक स्पॉट किसी की भी वीक स्पॉट मतलब कमजोर बात क्या है उसकी दुखती रख क्या है कहाँ उसका वीक पॉइंट है उस पर अगर आप हाथ रखेंगे तो आप इजीली अपने दुश्मन को हरा सकते हो अकेले सील यानी वीक पॉइंट ये कल भी आ चुका था आज फिर रिपीट हो गया वट टाइम शेल वी गो शॉपिंग हम किस समय शॉपिंग करने जाएंगे रीट लेवल सेकेंड टू थाउजेंड एटीन में क्वेश्चन आया था रीट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है वट टाइम शेल वी गो शॉपिंग हम किस टाइम शॉपिंग पे जाएंगे लेट सी हाउ द वेदर लुक्स देखते हैं दूसरा जवाब दे रहा है भाई किसने कल कितने शॉपिंग चलेंगे तो दूसरा कह रहा है लेट सी देखते हैं हाउ द वेदर लुक्स कि मौसम कैसा रहता है एंड उस मौसम के अकॉर्डिंग फिर हम काम करेंगे जैसा मौसम देखते हैं मौसम कैसा रहता है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो ये क्या आएगा इसमें रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स नहीं इसका मतलब तो ये मुहावरा है ये भी और ये रेंज जुड़ा हुआ भी लेकिन यहाँ ये अलग मतलब है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मतलब बहुत तेज बारिश होना मूसलाधार बारिश होना इस डाउन पॉर टरेंशियल बहुत तेज बारिश होने के लिए आप बोलते हैं रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मतलब रेनिंग हैविली ये यानी बैठेगा ये तो कह रहा है कि भाई शॉपिंग चलेंगे कैसे देखते हैं मौसम कैसा रहता है उसके हिसाब से तय करेंगे है ना प्लेट बाईर ये वही मतलब होता है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग तय करना सिचुएशन कैसी रहती है उसके अकॉर्डिंग तय करना अकॉर्डिंग टू सिचुएशन प्लेड बाय ईयर जैसे ये जो म्यूजिक कॉन्सर्ट्स होते हैं जो प्रोग्राम होते हैं बड़े बड़े इनमें जो म्यूजिशियंस होते हैं जो बजाने वाले जो संगीत देने वाले लोग होते हैं जो सिंगर लोग होते हैं वो ना सामने के जो ऑडियंस हैं उनके जो देख रहे हैं दर्शक स्पेक्टेटर्स ऑडियंस उनके अकॉर्डिंग वो म्यूजिक बजाते हैं अगर वो कह रहे हैं कि साहब हमें धुन ये वाला चाहिए वो पूछते हैं कौन सा गाना चाहिए तो वो जो सा गाना वो डिमांड करते हैं उसके हिसाब से वो गाना गाते हैं प्ले इट बाय ईयर बाय यानी कान के द्वारा सुनने मिला प्ले इट ईयर जो ईयर यानी कान या ईयर का मतलब लोग जिनके कान होते हैं है ना तो ये फिगर ऑफ स्पीच देखा जाए तो यहाँ ईयर का मतलब है जैसे लोग हैं जैसा वो सुनना चाहते हैं लोग जैसा सुनना चाहते हैं म्यूजिक जैसा गाना सुनना चाहते हैं जैसे वो कहानी सुनना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप प्ले कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन काम करना प्लेड बाई एयर तो ये सही बैठ जाएगा तो वैसे इसका लो तो मुशाधार भर चुन होता है ये होता है जैसे आप चाहते हो उस हिसाब से काम करना टर्न अ ब्लाइंड आई जब मैंने पढ़ा था टर्न अ डैफ ईयर ब्लाइंड आई देख कर अनदेखा करना तो वो भी नहीं होगा कॉल इट अ डे कॉल इट अ डे का मतलब होता है कि आज की हमारी जो मीटिंग है वो अच्छी हो गई कई बार हम बोलते हैं लेट्स कॉल इट अ डे मतलब आज की हमारी मीटिंग बहुत अच्छी रही बड़ा मजा आया आपसे मिलकर के काफ़ी अच्छा डिस्कशन किया लेकिन हमारी पूरी मुलाकात ख़त्म नहीं हुई कल फिर मिलेंगे कल फिर साथ बैठेंगे फिर अच्छा डिस्कशन करेंगे तब तक लेट्स कॉल इट अ डे ऐसा बोलते हैं मतलब मीटिंग खत्म करते हैं बट पूरी नहीं हुई अच्छी मीटिंग थी कल फिर मिलेंगे कल फिर आगे बात को बढ़ाएंगे उसके लिए कहते हैं लेट्स कॉल इट अ डे तो इसमें से आएगा बी ये चारों अलग अलग ईडियम्स थे ये मैंने चारों आपको एडियम्स दे रखे हैं अपने नोट्स में वहां से आप इनको पढ़ लेना अच्छी तरह से और यह आंसर हो जाएगा प्ले इट बाई ईयर ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन तो नंबर टेन देखिए मेडन स्पीच मेड मेड वैसे तो कुंवारी लड़की होती है वो कुआरी लड़की जो वर्जिन है अभी तक जो कुंवारी है ठीक है ना तो उसको बोलते हैं मेड तो यार मेडन स्पीच मतलब एक तरह से कुरेपन से वर्जिनिटी से ही है कि पहला स्पीच है आपका आपने पहला भाषण दिया पहला स्पीच दिया तो अंग्रेजों में एक परंपरा है कि जो पहला प्रयास होता है उसको आप मेडन स्पीच कहते हैं ना पहला प्रयास पहला एफर्ट फर्स्ट एफर्ट तो फर्स्ट गर्ल लाइक मेनली मेड लाइक नहीं कुछ नहीं होगा फर्स्ट पहले जो आपने पहली बार जो काम किया उसको कहते हैं आप मेडन स्पीच ठीक है ना तो ये वो लड़कियों से जुड़ा हुआ शब्द है जब लड़के से कुंवरापन खत्म होता है या तो वो जो बोलती है बातें करती है उससे कुछ जुड़ा हुआ ये है तो मेडन कुंवारी लड़के से मान लीजिए पहला पहला फर्स्ट स्पीच पहला प्रयास फर्स्ट एफर्ट उससे जुड़ा हुआ है चलो आगे देखते हैं वन बाय वन हम एक एक idiom को पढ़ते जा रहे हैं इस तरह से आपको सॉल्व करने हैं ठीक है टर्न अ डैफ ईयर टू कल भी आया था टर्न डेफ है मतलब सुनना बंद कर दिया कान को घुमाया वो क्या बोल रहा है अगला उससे मतलब नहीं है सुन करके अनसुना अब देखो ये इसको आप जोड़ सकते हैं लिंक कर सकते हैं घर पे कई बार ऐसा होता है हमारे पापा हमारी मम्मी हमें बोलते रहते हैं अरे पढ़ ले भाई अरे तू पढ़ क्यों नहीं रहा अरे पढ़ दे वो पढ़ रहा है दे उसकी इतनी परसेंटेज बन रही है वो जॉब लग गया तुम जॉब लगे ही नहीं अभी तक लो हमारे घर वाले इस तरह की बातें बहुत करते हैं और अब चूंकि इतनी ज़्यादा बातें करते हैं कि हम ना डेली उनको सुन करके फिर अनसुना कर ले जाते हैं और ये बात ना हमारे बड़ों को बड़ी चुपती है Uh, आज हम भी इस स्टेज में आ गए हैं कि अगर हमारे बच्चे भी हमारी बात को सुन के अनसुना करते हैं ना तो बड़ा बेकार लगता है ऐसा लगता है कि यार ये ना हमें रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है ये हमारा रिगार्ड नहीं कर रहा है ये हमारे को ना हल्के में ले रहा है हमारी बेजती कर रहा है तो टर्न एंड एफियर एक तो होता है सुनकर अनसुना करना और सुनकर अनसुना कब करता है आप एक तो बात आपकी ध्यान दे आपने जो कहा वो वही करें तो वो ऐसा नहीं कर रहा है वो आप जो कह रहे हो सुन रहा है और सुन के अनसुना कर रहा है मतलब आपको रेस्पेक्ट नहीं दे रहा रिगार्ड नहीं दे रहा डिसरिगार्ड कर रहा है तो डिसरिगार्ड मतलब हो जाता है दूसरा कहता तो तो है One year is usually deaf, एक कान तो अक्सर बहरा ही होता है। पार्शियली ब्लाइंड रूप से अंधा है नहीं ये सब कुछ बकवास है डिसरिगार्ड सुनकर करना मतलब ध्यान न देना तवज्जो न देना रेस्पेक्ट ना देना तो समझ आ रहा है आप लोगों को डिसरिगार्ड हो जाएगा आगे देखते हैं द प्लान इज इन दाइपलाइन हियर द इम्स द प्लान इज या प्लान पाइपलाइन में इसका मतलब क्या है अगर कोई भी मुद्दा पाइपलाइन में है इसका मतलब कि बातचीत शुरू हो गई है वो प्लान पे बनना शुरू हो गया है जैसे मैंने कहा जयपुर में दूसरे फेज की मेट्रो लाइन का आना जो मुद्दा है वो अगर आप बोल रहे हैं कि इन द पाइपलाइन, वो पाइपलाइन में इसका मतलब गवर्नमेंट और मेट्रो एजेंसी या जो भी एजेंसी उसमें काम करती हैं उन सब के बीच में बातचीत शुरू हो गई है दे हैव स्टार्टेड डिस्कसिंग ऑन दैट मैटर उस मैटर पर उन्होंने बातचीत करना शुरू कर दिया है दे आर डिस्कसिंग द मैटर वो डिस्कस कर रहे हैं इट मीन्स द मैटर इज इन पाइपलाइन मैटर किसमें है पाइपलाइन किस में है पाइपलाइन मतलब बातचीत शुरू हो गई काम शुरू नहीं हुआ काम शुरू हो गया तो अंडर वे हो गया काम अंडर वे कि अब चल गया काम शुरू हो गया अब वो मेट्रो की वो तो खुदाई शुरू हो गई है पिलर बनने शुरू हो गए हैं जो भी काम होता है वो शुरू हो गया अगर तो द प्रोसेस इज अंडर वे द वर्क इज अंडर वे इन प्रोग्रेस लेकिन अगर बातचीत शुरू हुई है इन द पाइपलाइन पाइपलाइन में है तो प्लान पाइपलाइन में, तो में इसका मतलब इन डेंजर खतरे में बींग डिस्क बातचीत शुरू हो रही हो गई है बींग इग्नोर इग्नोर करना शुरू कर दिया है बींग एक्सेप्टेड मुद्दा एक्सेप्ट हो गया नहीं बातचीत हो एक्सेप्ट होकर उसकी अगली डिस्कशन है बींग कर दिया उससे अगली है अंडर वे काम ही शुरू हो गया उसके ऊपर तो बींग पाइपलाइन मतलब काम डिस्कस हो रहा है काम चल रहा है <clears throat> अगला देखिए आप हिज परफॉर्मेंस वॉज नॉट उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी हिज परफॉर्मेंस वॉज नॉट इन टू मार्क अप टू द मार्क एट मार्क्स विद इन द मार्क अप टू द मार्क होता है अप टू द मार्क मतलब अप टू द मार्क मार्क होता है ना मुकाम हासिल किया आपने तो मुकाम की बात करते हैं मार्क बना दिया आपने अगर वो मार्क प्राप्त कर पा रहे हो मुकाम हासिल कर रहे हो तो ठीक है अप टू द मार्क जो आप चाहते थे वो हो रहा है क्वाइट सेटिस्फैक्टरी क्वाइट सेटिसफैक्टरी बिल्कुल संतोषजनक काम चल रहा है अप टू द मार्क मतलब बिल्कुल संतोषजनक है हिज परफॉर्मेंस वॉज नॉट अप टू द मार्क उसकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं थी तो जैसा मार्क जैसा मुकाम हासिल करना चाहते थे आप जो उसको पाना था वो पा नहीं पा रहे वो काम उस हिसाब से कर नहीं रहा इसका मतलब उसका जो परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क नहीं है और कोई काम अप टू द मार्क है इसका मतलब जैसा आप चाहते थे अब वैसा ही काम हुआ तो आप बिल्कुल संतुष्ट हैं क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री सी टेट एग्जाम टू थाउजेंड फिफ्टीन में आया हुआ है ठीक है हिज परफॉर्मेंस वॉज नॉट अप टू द मार्क आगे बढ़ते देखिए द न्यू स्कीम इज नई स्कीम है अब नई स्कीम है ऑन वे विद इन द वे अंडर वे एट द ट्रैक एट ट्रैक अंडर वे नई स्कीम अंडर वे है तो अंडर वे एक फ्रेज होता है मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस भी कर रहा था मतलब काम शुरू हो गया है द न्यू स्कीम इज अंडर वे मतलब चल रहा है काम पाइपलाइन में है तो डिस्कस हो रहा है अंडर वे मतलब काम शुरू हो गया तो अंडर वे आ जाएगा <coughs> और देखिए आप आई डिसलाइक हिज मैनर मुझे ना उसका मैनर पसंद नहीं है कौन सा मैनर पसंद नहीं है ऑफ एंड इन हैंड आउट हैंड डाउन हैंड ऑफ एंड एक फ्रेज होता है आंसर ऑफ एंड हो जाएगा मुझे उसका ऑफ एंड मैनर पसंद नहीं है ऑफ़ हैंड का मतलब ऑफ हैंड का मतलब होता है कि ना काम को ना कैजुअल लेता है बहुत ज़्यादा उसे फर्क नहीं पड़ता काम हो रहा है नहीं हो रहा है ऑफ़ हैंड है वो अपने काम में ना हाथ में काम को लेता ही नहीं है ऑफ़ हैंड है काम को ढंग से सीरियसली करता ही नहीं है कैजुअल ले लेता है उसको बड़ा कूल सा रहता है वो क्या ठीक है हो रहा है नहीं हो रहा है उसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता वो ना बड़ा केयरलेस टाइप का आदमी है वो बड़ा इनडिफरेंट है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता वो कैजुअल लेता है चीज़ों को बहुत सीरियसली नहीं लेता बड़ा कैजुअल लेता है तो ना मुझे उसके जो ऑफ एंड मैनर है ना कि कोई काम कहा और उसने जो कैजअल ले लिया बड़ा कूल cool सा बंदा है कुछ ज़्यादा सीरियसली लेता चीज़ों को उसे कहते हैं ऑफ एंड मैनर आई डिसलाइक हिज ऑफ एंड मैनर बस मैरी आपको गुड तो बढ़िया शानदार तरीके से हम लोग इडियम्स कर रहे हैं अगर याद है तो बड़ा करने का बड़ा अच्छा लगता है मजा आता है करने में लोगों को देखिए भी एक बहुत अच्छा है मीट इसका मतलब होता है कि आप ना जीवन में गुजारा कर रहे हो आपसे थोड़ा ट्रिक मैंने तो जैसे याद कर रखा है इसको मैंने मेरी पर्सनल ट्रिक्स बना रखी हैं याद करने के लिए मेक बोथ एंड्स मीट दो अंत दिन के दो अंत की बात कर ले सुबह और शाम की ना दो वक्त की रोटी मिल जाती है सुबह की रोटी मिल गई शाम की मिल जाए बस काम चल रहा है दो वक्त की रो, रोजी रोटी का इंतजाम हो रहा है भूखा नहीं सोना पड़ रहा टू मेक बोथ एंड्स मीट आपको ना दोनों जो एंड्स हैं दिन के मतलब मैंने मेरी ट्रिक बना रखी है इसका ओरिजन कुछ और भी हो सकता है किसी और तरीके से भी याद कर सकते हैं आप लोग उसको मुझे मतलब मेरा गुजारा चल रहा है जो मेरी छोटी मोटी इनकम है जो मैं काम करता हूँ उस इनकम से मैं अपना काम चला पा रहा हूँ बे मुश्किल बहुत अच्छी स्थिति में तो नहीं हूँ बट ठीक है मेक बोथ एंड्स मीट तो टू एक्सीड द लिमिट्स ऑफ वंस इनकम आप अपनी इनकम से लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं नहीं टू स्पेंड अब वंस इनकम आप अपने इनकम से ज़्यादा खर्च करते हैं नहीं भाई काम चलाते हैं मुश्किल से टू लिव विद इन वंस इनकम अपनी जो इनकम है उसी में काम चलाते हैं जितने चादर है उतना पैर फैलाते हैं बड़ी मुश्किल से काम चल रहा है बहुत ज़्यादा उपटांग काम खर्चे नहीं करते अपन लोग टू तो सेव पैसा बचाना नहीं बड़ी मुश्किल से अपना जीवन चलाना टू लिव विद इन वंस इनकम अपने इनकम में काम चलाना ये कहलाता है टू मेक बोथ एंड मीट अपने दोनों वक्त की रोटी का इंतजाम हो रहा है ठीक है अपने जो इनकम है उसमें आप काम चला रहे हैं ये मतलब होता है इसका अब देखिए आप अगला क्या है टू लीड अ कैट एंड डॉग लाइफ देखो कुत्ते और बिल्ली कभी ना बनती नहीं है आप कुत्ते बिल्ली को दोनों को साथ छोड़ दो भाई साहब कुत्ता बिल्ली के पीछे और बिल्ली आगे आगे भाग रही है और वो ना हमेशा साथ रहें तो लड़ेंगे झगड़े होंगी तो ऐसे अगर कोई व्यक्ति कोई लोग दो पति पत्नी हो या पिताजी और बेटा हो ये अगर कोई ऐसी ज़िंदगी जीते हों जिनके लाइफ में ना हमेशा कलेश होता हो हमेशा कलहपूर्ण जीवन जीते हों लड़ाई झगड़ा ही करते रहते हों कलहपूर्ण जीवन जीना हमेशा लड़ाई झगड़े करते रहना ऐसे जीवन को आप बोलते हैं टू लीड अ कैट एंड डॉग लाइफ कुत्ते और बिल्ले की ज़िंदगी जीना झगड़े वाली कलेशपूर्ण कलहपूर्ण जीवन जीना उसे कहते हैं तो टू बी ऑलवेज क्वैरिंग हमेशा झगड़ा करते रहना लड़ते रहना कुत्ते बिल्लियों की तरह तो याद रह जाएगा आपको टू लीड अ कैट एंड डॉग लाइफ कैट एंड डॉग लाइफ कौन सी लाइफ होती है कुत्ते बिल्ली वाली लाइफ होती है ठीक है दोस्तों ओके आगे चलते हैं अप टू द मार्क थोड़ी देर पहले भी आया था अप टू द मार्क एक मार्क बना रखा है वहां तक आप पहुंच रहे हैं मतलब जो आप काम चाहते थे वो काम आपका हो रहा है आप सेटिस्फाई है कि यार ये पाना चाहता था मैं ये मेरा मुकाम था ये मैंने हासिल कर लिया अब ठीक है आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड तो जब आप ऐसा कोई काम करते हैं क्वाइट से, आप सेटिसफैक्ट्री रहते हैं तो उसके लिए आएगा ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री बिल्कुल संतोषजनक काम बहुत बढ़िया तरीके से आप काम करते हो तो उसको आप बोलते हैं अप टू द मार्क ठीक है दोस्तों ओके फिर देखिए आप थ्रू थिक एंड थिन थ्रू थिक एंड थि बहुत अच्छा एडिया में कल भी आया था इसको याद ही कर लीजिए थिक मतलब ये कह लो कि जो ट्रिक से याद करना चाहो तो भाई जैसे आप चल रहे हो और चलते समय पानी में चल रहे हो आप तो पानी में चलना ना अगर पानी थिक है कोई गाड़ी चीन चलोगे ना तो चलने में तकलीफ होगी आप चल नहीं पाओगे ढंग से थिन है पतला है थोड़ा तो सा सरल सा है तो आप ज़िंदगी आप आराम से गल जाओगे वहाँ से आराम से क्रॉस हो जाओगे आप तो थ्रू थिक थिक मतलब बुरा या अच्छा मतलब बुरा अच्छा दोनों समय के लिए होता है थ्रू थिक एंड थिन चाहे समय आपका गुड टाइम हो चाहे बैड टाइम हो चाहे बुरा बुरा वक्त हो चाहे आपका अच्छा वक्त हो इसके लिए कहते हैं थ्रू थिक एंड थिन चाहे समय बुरा हो चाहे समय अच्छा हो उसके लिए आप यूज़ करते हैं थ्रू थिक एंड थिन तो थ्रू डैंस फॉरेस्ट लूजिंग एंड गेनिंग वेट वेट करना वेट पाना मोटे होना पतले होना रात में दिन में या थ्रू गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स तो चाहे समय अच्छा हो चाहे समय बुरा हो चाहे थिक हो अच्छा समय चाहे थिन हो बुरा समय कैसा भी समय हो आई एल स्टैंड बाई यू कला ऐसा एक सेंटेंस मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा थ्रू थिक एंड थिन चाहे समय बुरा हो चाहे समय अच्छा हो तो आंसर हो जाएगा थ्रू थिक एंड थिन यानी कि थ्रू गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स चाहे समय अच्छा हो चाहे बुरा हो समझ आ गया आपको यहाँ तक ओके फिर देखिए आप लोग नेक्स्ट नंबर एटी टू कम टू लाइट कलायत है कम टू लाइट रोशनी में आना मामला रोशनी में आना मामले को उजागर करना पर्दाफाश करना रहस्य को रहस्य पर से पर्दा उठा देना ब्रिंग टू लाइट कम टू लाइट एक ही बात होती है तो टू इल्यूमिनेट रोशनी करना टू रिवील किसी चीज को रिवील कर देना पर्दाफाश कर देना किसी चीज को दिखा देना शो कर देना कि यार ये चीज है यही होगा टू शो हिडन पावर टू बिगिन द डे नहीं टू रिवील मामले को उजागर करना पर्दाफाश करना रहस्य पर से पर्दा उठाना कुछ भी कह दो कम टू लाइट ब्रिंग टू लाइट दोनों एडियम का एक ही मतलब होता है चलो जी आगे चलते हैं देखिए टू कम टू टर्म्स कम टू टर्म्स टर्म्स होते हैं देखो एक तो अब सिंपल समझो टर्म्स यानी कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशन शर्तें लागू टर्म्स एंड कंडीशन तो जब भी कोई आप व्यापार शुरू करते हैं कोई बिजनेस शुरू करते हैं जब भी आप लोगों से कोई समझौता एग्रीमेंट करते हैं तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कहीं पे भी शादी हो उसमें भी जब फेरे होते हैं तो कुछ शर्तें टर्म्स बताई जाती हैं कि भाई ऐसे ऐसे आप दोनों एक दूसरे से बिहेव करेंगे चाहे कोई व्यापार हो चाहे स्कूल में आप एडमिशन ले रहे हो तो टर्म्स एंड कंडीशन होती है आपको महीने की इतनी फ़ीस देनी होगी उसके बदले इतना पढ़ाएंगे तो कोई भी दो लोगों की जो डीलिंग होती है उसमें कोई टर्म्स तो होती हैं और अगर उन टर्म्स पर आप सहमत हो जाते हैं आपस में बैठ करके उन शर्तों पर आप सहमत हो जाते हैं कम टू टर्म्स हो जाते हैं आप क्या अब बातचीत हो गई अब आप टर्म्स पे आ गए हैं समझौते पे साइन कर दिए हैं आपके बीच में एग्रीमेंट हो गया है समझौता हो गया है कम टू टर्म्स तो टू टेक रिवेंज बदला लेना नहीं टू टर्मिनेट एन एग्रीमेंट किसी एग्रीमेंट को टर्मिनेट खत्म कर देना नहीं टू मेक एन एग्रीमेंट समझौता बनाना समझौता करना टू मेक एन एग्रीमेंट कि आपने एग्रीमेंट कर लिया आप शर्तों पे आप सहमत हो गए टू कम टू टर्म्स ठीक है तो एग्रीमेंट वाला हो जाएगा ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला ये नहीं ओके okay, आगे चलते हैं हम लोग एन ओपन क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन जो सबके लिए ओपन हो दो तरह क्वेश्चंस होते हैं हमारे किसी भी मतलब आप कहें मैथडोलॉजी में पढ़ाने के तरीकों में दो प्रकार के क्वेश्चन टीचर दे सकता है आपको एक तो ओपन क्वेश्चन एक क्लोज क्वेश्चन क्लोज क्वेश्चन क्या होता है ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका एक ही उत्तर होगा क्लोज है वो ओनली वन आंसर दूसरा आंसर अगर दिया तो गलत ही होगा केवल एक एक ही सही उत्तर होता है जैसे मैं पूछूं आज आज की तारीख में अगर मैं पूछूं आपसे कि भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ़ इंडिया एट प्रजेंट तो सबका जवाब आज 2021 जनवरी की बात कर रहा हूँ मैं तो सबका जवाब यही होगा कि भाई आ, आ, नरेंद्र मोदी कोई दूसरा जवाब अगर आया कि भारत का कोई प्रधानमंत्री राहुल गांधी बताए या कोई और नाम बताए सोनिया गांधी बता दे या अमित शाह बता दे वो सब जवाब गलत होंगे भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी है तो ये एक उत्तर होगा दूसरा उत्तर गलत ही होगा इसका ये क्लोज क्वेश्चन है क्या है दोस्तों ये ये क्लोज है ठीक है ना ये क्लोज क्वेश्चन है और मैं पूछूं कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए तो इसका जवाब तो कोई कई लोग मोदी बताएंगे कुछ लोग राहुल गांधी बताएंगे कुछ अरविंद केजरीवाल बताएंगे सबके उत्तर अलग होंगे, सब अलग होंगे सबके अलग अलग विचार होंगे क्वेश्चन ओपन क्वेश्चन है सबके लिए अलग अलग विचार हो सकते हैं तो इसका कोई एक सहमत उत्तर नहीं होगा अलग अलग, अलग उत्तर हो सकते हैं जब एक सहमत उत्तर होता है तो क्लोज क्वेश्चन अलग अलग उत्तर हो तो ओपन क्वेश्चन तो एन ओपन क्वेश्चन एक क्वेश्चन पुट टू ऑल जो सबको रखा जाता है तो गलत तो ये भी नहीं है परमानेंट प्रॉब्लम नहीं एक क्लियरली रिटर्न स्टेटमेंट एक साफ साफ लिखा गया कोई एक स्टेटमेंट एक क्वेश्चन विदाउट एनी एग्रीड आंसर ये आंसर है ये सही सही आंसर है एक ऐसा क्वेश्चन जिसका कोई, एक ना, हो, जिसका कोई एक सहमत उत्तर ना दे सके आप एक क्वेश्चन कोई एक सहमत उत्तर ना दे सके उसको आप कहते हैं एन ओपन क्वेश्चन ठीक है ना कोई एक सहमत उत्तर ना हो बात समझ आ रही है आप लोगों को ओके दोस्तों ये भी हो गया अब देखिए ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट क्या होता है मतलब तुरंत तुरंत एट एट मोमेंट पे उसी उसी क्षण मतलब ज्यादा समय नहीं मिलता उसके लिए आपको ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट जो क्षण था उसी क्षण पे आपको डिसन लेना था जैसे इंटरव्यूज में क्या होता है जो इंटरव्यू जो कैंडिडेट आते हैं उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यूअर के द्वारा और अब उसका उसका आंसर ना आपको उस समय अचानक सडन उसी समय एकाएक एक एक देना पड़ता है ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट या एट द स्पर ऑफ द मोमेंट ये मैंने आपको जो ईडीम दे रखा है उसमें शायद पहले शुरू के एक दो ईडीएम में ही है पहला ईडीएम दूसरा ईडीएम होगा ए के अंदर है एट द स्पर ऑफ द मोमेंट या ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट भी हो सकता है तो एट और उन दोनों आ सकते हैं की जगह पे आ, जो है एट भी आ सकता है एट द स्पर ऑफ द मोमेंट ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट दोनों कुछ भी हो सकता है तो यहां पर तुरंत तो मतलब तुरंत ही होता है तुरंत ए लिटिल लेटर थोड़ी देर बाद में नो सुनर देन ज्यादा देर नहीं हुई थी कि उसी समय इन इज ऑफिस आवर्स ऑफिस के टाइम में नहीं नहीं ऑन इम्पल्स तुरंत सडनली अचानक बिना सोचे समझे ज्यादा वक्त नहीं मिलता ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट ऐसा कहते हैं ठीक है तो ये हो जाएगा अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे देखिए लाइफ हैज इट्स जीवन के अपने क्या होते हैं अप्स एंड डाउन उतार चढ़ाव होते हैं बिल्कुल सही रहा है अप एंड अबाउट नए टुगेदर नहीं नहीं अप्स एंड डाउन्स अप्स एंड डाउन्स भी एक मुहावरा है जिसका मतलब जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं जीवन के उतार चढ़ाव मतलब कभी जीवन में सुख आता है तो कभी जीवन में दुख आता है ये जीवन में सुख दुख चलता रहता है कभी अच्छा टाइम आता है कभी बुरा टाइम आता है लाइफ हैज इट्स अप्स एंड डाउन्स ठीक है ना वो सब चलता रहता थिक एंड थिन चलता रहता है अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं तो ये हो जाएगा आगे देखिए आपको नेक्स्ट He promised to stand by me. उसने मुझे वादा किया स्टैंड बाई मी वो मेरे पास खड़ा रहेगा हमेशा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है पहले भी आ चुका जे एल ओ टू थाउजेंड नाइनटीन में आया है उससे पहले भी सेम क्वेश्चन आ चुका है ऐसा का ऐसा क्वेश्चन रिपीट कर दिया टू थाउजेंड नाइनटीन और पहले किस एग्जाम में आया था आप अपने पेपर में पीछे पन्ने पलट के देख लेना उसने मुझे वादा किया टू स्टैंड बाई मी कि वो मेरे साथ खड़ा रहेगा हमेशा थ्रू ब्लैक एंड व्हाइट नहीं थ्रू थिक एंड थिन तीसरी बार क्वेश्चन आया थिक एंड थिन के ऊपर तो कुछ एडियम्स रिपीट होते हैं एग्जाम्स में ये खूब सारे क्वेश्चन करने से पता लगता है हम लोगों को थ्रू थिक एंड थिन उसने मुझे वादा किया कि वो मेरे साथ खड़ा रहेगा थिक एंड थिन में मतलब चाहे बुरा समय हो चाहे अच्छा समय हो थ्रू गुड टाइम एंड बैड टाइम सब में साथ रहेगा तो थ्रू थिक एंड थिन आ जाएगा इसके लिए ओके okay, आगे देखिए दोस्तों योर सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन जे एल ओ टू में है आपका इस एग्जामिनेशन में सफलता है बट अ फॉर योर फ्यूचर प्लान आपकी जो एग्जाम में सफलता है ना ये कुछ भी नहीं है सिवाय बट बीच में आ रहा है और यहां मतलब है के सिवाय है कुछ नहीं है सिवाय इसके सिवाय इसके फॉर योर फ्यूचर प्लान कि आपके फ्यूचर प्लान के लिए क्या है? राइटिंग इन द वॉल एक्चुअली मुहावरा ऐसा नहीं होता है गलत दे रखा है इसमें बट एग्जाम में ऐसा ही आया था मुहावरा होता है ये राइटिंग ऑन द वॉल राइट ऑन द वॉल एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है अपशकुन होना कोई बुरी घटना होने का आपको पहले संकेत मिल जाए तो अंग्रेजों के यहाँ ये, ये ना भूत की फिल्मों में हॉर मूवीज में आपने देखा होगा कि जब कुछ बुरा भूत ऊत कुछ आने वाला है कुछ घटना तो ना दीवार के ऊपर लिखा हुआ जाएगा डैड यू आर डैड ठीक है ना दीवार पर ऐसे लिख के आ जाता है खून से लिखा हुआ आ जाएगा एविल ठीक है ना इस तरह को लिख देते हैं वो लोग तो उनके हैं कि राइटिंग ऑन द वॉल ऐसे एक मुहावरा बना हुआ है जिसका मतलब होता है अपशकुन होना कोई बुरी घटना होने के संकेत होना तो एग्जाम में सफल होना तो बुरी घटना तो नहीं है ये तो नहीं आएगा हरक्यूलियन टास्क आप एग्ज़ाम में सफल होते हैं ये कुछ नहीं है सिवाय कि आपके फ्यूचर प्लान के लिए हर्क्यूलियन नहीं सब सफल ही हो गए तो हरक्यूलियन टास्क है हरक्यूलियन टास्क एक मुहावरा है और इसका मतलब ये होता है दोस्तों हरक्यूलियन टास्क का हरक्यूलियन एक योद्धा था मिथोलॉजी में यानी कि पौराणिक कथाओं में अंग्रेजों के तो उसके अकॉर्डिंग ना उसको बहुत बड़ा टास्क दिया था कि भाई तुम ये काम करके लाओ तुम वहाँ जाओ और ऐसा काम करोगे तो वो ना कई पहाड़ों को जंगलों को पार करते हुए कभी उसने कभी डायनासोर को मारा कभी बड़े शेर को मारा कभी उसने मगरमच्छ का मुंह फाड़ दिया ऐसे से ना कई इसने कारनामे के बड़े बड़े ख़तरनाक मतलब किसी भी कारनामे से आम आदमी की तो मौत हो जाए लेकिन हरक्यूलियस बड़ा योद्धा था उसको एक काम दिया गया और उसने कई मुसीबतों को कई पहाड़ों को जंगलों को आग को खतरनाक जानवरों को पार करते हुए बड़ा मुकाम हासिल किया तो ऐसे जब किसी को खतरनाक काम देते हैं ना तो उसको कहने लगे हरक्यूलियन टास्क है भाई ये तो ए हार्ड नट टू क्रैक है जैसे कल बात कर करते ना कि आ, ये वो कहते हैं ना वो लोहे के चने चबाना बहुत कठिन काम करना तो हरक्यूलियन टास्क भी कहते हैं इसको अप हिल टास्क भी कहते हैं जैसे पहाड़ी पे चढ़ने का जो काम होता है अप हिल हिल पर ऊपर चढ़ने का जो टास्क होता है वो भी कठिन होता है हरक्यूलियन को जो टास्क दिया गया वो भी कठिन था तो बहुत ही कठिन काम को आप हरक्यूलियन टास्क या अप हिल टास्क या ए हार्ड नट टू क्रैक कहते हैं ठीक है ना तो हरक्यूलियन टास्क है नहीं ये नहीं होगा है एग्जाम सफल होना लेकिन ये कह रहा है कि एग्जाम सफल तो हो गया आप ये कुछ नहीं है फ्यूचर प्लान में अब ये नहीं बैठ रहे पे स्टेपिंग स्टोन आपके फ्यूचर प्लान बनाने का एक स्टेपिंग स्टोन है कि अब एक, एक न्यू का पत्थर बन गया ये आपके लिए एक दहलीज बन गई अब सफलता तो आपने हासिल कर ली अब आप फ्यूचर प्लान को आगे बढ़ा सकते दरवाजा खुल गया आपकी जॉब लग गई एग्जाम क्लियर कर लिया आपने कॉलेज का, क्लियर कर लिया, रीट का आपने एग्जाम क्लियर कर एक नई दहलीज पर लेकर जाता है स्टेपिंग स्टोन उसके बाद फिर आप आगे के फ्यूचर प्लान्स बनाते हो तो एक कुछ नहीं है एक एग्जाम एक एक में सफलता पाना मतलब आपको आगे फ्यूचर प्लान्स बनाने का एक नया रास्ता खुल गया फिर आगे बढ़ना है वो कर पढ़ रहे थे डेंट डोंट रेस्ट ऑन योर लॉरल्स अपने उपलब्धियां जो पाली उस पर रेस्ट मत करो रिटायर मत हो और आगे मेहनत करते रहो विन द लॉरल्स उपलब्धियां हासिल करते रहो तो इसमें आ जाएगा स्टेपिंग स्टोन ठीक है तो तीन ये एडियम्स भी इस बाहर समझ में आ गए और ये भी हमारा आंसर भी पता लग गया हम लोगों को तो ये हमारा तरीका इसमें रहेगा ठीक है अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं हम लोग इट इज़ वेरी डिफिकल्ट ये बहुत ही डिफिकल्ट है विद अ सिंगल इनकम कि एक सिंगल इनकम एक इस जमाने में एक इनकम से कोई एक दस बीस हज़ार रुपये कमाता है उस इनकम से बहुत मुश्किल है क्या मेक बोथ एंड्स मीट कि आप अपना जीवन यापन कर सकें सुबह शाम का खाना वाना जो आपको बड़े ढंग से मिल जाए ये थोड़ा मुश्किल होता है बिल्कुल ठीक है ये आ सकता है थोड़े तो पहले बात भी कर रहे थे वो लोग जे एल लो ओज तो नाइनटीन में क्वेश्चन आया हिट द नेल ऑन द हेड बस ये आंसर हो सकता है मेरे हिसाब से मैं एक बार आंसर लगा रहा हूँ और बाकी तीन ऑप्शन देख लेते हैं क्योंकि तीनों में ऐसे मुहावरे भी दे रखे हैं हिट द नेल ऑन द हेड इसका मतलब क्या होता है किसी के सिर पर नेल नेल होता है कील अगर आपने किसी सिर पर कील लगाई यहाँ पर और उसको हथोड़े से ठोक दिया उस आदमी का काम वहीं तमाम हो जाएगा क्योंकि आपने सही पॉइंट पे सही चीज लगाकर सही चीज़ से टक्कर मारी हथौड़ा मारा उसके ऊपर तो सही मौके पर सही बात करना मौके की नजाकत को देखते हुए काम करना मेक द मोस्ट ऑफ इट किसी का फ़ायदा उठाना आ, आ, ना गर्म लोहे को देख करके चोट मारना हिट द आयरन है ना हिट द हिट द आयरन वाइल इट इज़ हॉट जब वो गर्म हो तब तो उसके चोट मारना ऐसा कि मुहावर हम पढ़ेंगे आगे भी स्ट्राइक वाइल द आयरन इज़ हॉट एक्चुअली ये होता है स्ट्राइक टक्कर मारो चोट मारो जब लोहा गर्म हो या ऐसे भी कह सकते हैं हिट द नेल ऑन द हेड जब बिल्कुल मौके मो, पर मारा थोड़ा काम ख़त्म तो उस समय बात बोलो तो ये वो होता है इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू विद अ सिंगल बहुत सिंगल इनकम से तो काम चलाना बड़ा मुश्किल है आप इनकम में सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है तो ये सही लग रहा है ये तो हो गया कि मौके के हिसाब से काम करना मतलब गर्म लोहे पे चोट मारना लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ मतलब हैंड टू माउथ जीना मतलब ये ये भी हो सकता है

आंखों में आके डाल के कब देखते हैं आप किसी की आंखों में आखे कब डालते हैं जब आपको उससे प्यार होता है जब उससे आप सहमत होते हैं जब आप उसको समझना चाहते हैं अगर आपको नफरत है आप सहमत नहीं है तो ना किसी की आंखों में डाल के आप देखेंगे मैं उसको देखना नहीं चाहता यार मैं उससे नफरत करता हूँ तो आंखों में आके डाल के देखना तो बड़ा असंभव सा है जिससे आप नफरत करते हैं उसकी शकल तक नहीं देखना चाहते और सी आई टी एल उससे आप सहमत हैं हालांकि ये जो ईडीएम है ना ये जनरली नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंस में यूज होता है नॉट के साथ यूज़ होता है जनरली बट बटाइज का मतलब होता है सहमत होना आई टू आई मतलब सहमत होना तो नॉट सी आई टू आई मतलब असहमत होना तो ये एक ईडीएम है जो आगे क्वेश्चन भी आएगा इसके ऊपर तो ये हैंड टू माउथ थोड़ा कन्फ्यूज़ कर रहा है हमारे को कि ये हो सकता है क्या, क्या? क्योंकि हैंड टू माउथ भी क्या होता है कि साहब वो हैंड टू माउथ है तो हैंड टू माउथ तो ठीक है बट लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ ये कोई ऐसा ईडीएम नहीं होता और ईडीएम में शब्दों का होना जरूरी होता है ये एक साफ साफ ई है मेक बोथ एंड्स मीट कि आप अपने जीवन को अपनी सिंगल इनकम में यापन करना है इसका मतलब ये होता है कि अपने जो जो भी आपकी इनकम है उसमें सर्वाइव करना मेक बोथ एंड्स मीट कि आपको कितनी इनकम मिलती है कि आप जब सर्वाइव कर लेते हो बड़ी मुश्किल से तो ये आंसर बिल्कुल सटीक बैठेगा ए इसके लिए ठीक है बाकी मैंने आपको दो तीन जो ईडियम थे ओट के मीनिंग भी आपको बता दिए तो इससे ठीक है अब आगे बढ़ते हैं देखिए डो नॉट कंसिडर लाइफ टू बी ए वन हैज टू वर्क हार्ड टू आन वंस रेस्ट डो नॉट कंसिडर लाइफ जीवन को मत समझो टू बी ए वन हैज टू वर्क हार्ड टू ऑन वंस रेस्ट जीवन को आप मत समझो क्या मत समझो वन हैज टू वर्क हार्ड एक आदमी को ना बहुत काम करना पड़ता है बहुत मेहनत करनी पड़ती है हार्ड टू ऑन वंस रेस्ट टू आन रेस्ट. कि अगर आप जीवन में रेस्ट करना चाहते हो ना तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत तो करनी पड़ती है हार्ड वर्क करना पड़ता है इसलिए आप जीवन को क्या मत समझो हार्ड नट टू क्रैक डू नॉट कंसिडर लाइफ टू बी अ हार्ड नहीं टू बी अ हार्ड नट ए के साथ हार्ड नट नहीं आएगा बोल्ड फ्रॉम द ब्लू बैड ऑफ रोजेज ए गिफ्ट ऑफ द गैप बैड ऑफ रोजेज आप जीवन को ना बैड ऑफ रोजेज मत समझो जीवन को इतना आसान मत समझो थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे हम जीवन को इतना ईजी और इतना इंटरेस्टिंग प्लेजेंट नहीं है जीवन को इतना आसान मत समझो इतना सुखदायी मत समझो वन हैज टू वर्क हार्ड आपको ना काम करना पड़ता है आपको जीवन में मेहनत तो करनी पड़ेगी जीवन इतना आसान नहीं है हार्ड नेटवुक मतलब कठिन बोल्ट फ्रॉम द ब्लू ये क्या होता है बोल्ट फ्रॉम द बोल्ट होता है थंडर बोल्ट थंडर बोल्ट मतलब जो बिजली गिरती है आसमान से बिजली ब्लू यानी ये ब्लू है ब्लू है मतलब आसमान आसमान का रंग ब्लू होता है तो ब्लू आसमान से जुड़ा हुआ है तो कई बार ना हम लोग ब्लू को आसमान ही समझ लेते हैं तो ये लिटरेचर में जिनको हम लोग बताए मेटानोमी और इस तरह जो होते हैं ये वो चीज़ें हैं सिनेगडकी मेटानोमी इनमें ये चीज़ पढ़ेंगे आप लोग जो लोग लिटरेचर पढ़ते हैं उनको ही पता है तो बोल्ट यानी थंडर बोल्ट उसके लिए शॉर्ट फॉर्म यूज हो गया ब्लू यानी आसमान स्काई हो गया और आसमान से जब बिजली गिरती है तो आसमान से बिजली गिरना मतलब अचानक कोई बड़ी मुसीबत का आ जाना बोल्ट फ्रॉम द ब्लू अचानक बड़ी मुसीबत का आ जाना आसमान से बिजली गिरना हिंदी में कह सकते हैं इसका सरल भाषा समझ सकते हैं अचानक कोई बड़ी मुसीबत आ जाना तो ये हो जाएगा बैड ऑफ रोजेज मतलब जीवन में जो आपके जो बैड ऑफ रोजेज है जीवन मतलब बहुत ही क्या है आरामदायक है ये मत समझो तो ये आंसर हो जाएगा गिफ्ट ऑफ द गैप पहले भी आ चुका दो बार गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब ये वो टैलेंट होता है जो बोलने से जुड़ा हुआ होता है आर्ट ऑफ आर्ट ऑफ स्पीकिंग टैलेंट फॉर स्पीकिंग बोलने का टैलेंट ठीक है ना बोलने की कला उसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द तो यहां पर आंसर होगा बैड ऑफ रोजेस बैड ऑफ रोजेस ठीक है दोस्तों बैड ऑफ रोज़ेस और देखिए बाई अ पिक इन अ पॉक बी एस एन एल जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में क्वेश्चन आया बाई अ पिग इन अ पॉक पॉक होता है एक थैला बैग बोरा कट्टा सैक 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 या बैग बाई अ पिग इन अ पॉक आप बाजार से कोई पिक खरीद के लाए सुअर खरीद के लाए मान लो हम तो नहीं खरीदते हमारे इंडिया में लोग नहीं खरीदते जनरली लेकिन अंग्रेज़ लोग ना सुअर को पालते भी हैं वहाँ पालते तो मान यहाँ भी लेकिन लेकिन खाते भी हैं पोक जो पिग होता है उसको खाते भी हैं लोग बाग तो बाई अ पिग इन अ पोक पोक का मतलब यहाँ पे बोरा है कट्टा है थैला है उस थैले में डाल के मर्चेंट ने व्यापारी ने आपको दुकानदार ने थैले में डाल करके दे दिया पिग अब आपने देखा ही नहीं उसने तो बैग पैक कर रखे हैं उसने तो बैग पैक कर रखे हैं वो सुअर कैसा है दिखने में कितना है काल मोटा है काले रंग का है सफेद रंग का आपने देखा ही नहीं उसने आपने खरीदा पिग उसने आपको बैग में डाल के दे दिया आप बिना देखे बिना सोचे समझे बिना भाव करे हुए आप चीज खरीद लाते हैं विदाउट सींग इट फर्स्ट उसको आपने पहले देखा नहीं उसके मोल भाव नहीं किया नेगोशिएशन नहीं किया और घर पे आके लगता है अरे यार ये तो गलत हो गया भाई ये पढ़ने तो महंगा सौदा कर लिया बिना देखे कर लिया ये तो चीज अपने काम की नहीं थी तो को बिना काम की चीज को आप पैसा देकर खरीद लाए तो इसे बोलते हैं बाई अ पिग इन पॉक थैले में आ गया पिग पिग क्या काम का हमारे क्या जरूरत थी खरीदने की खरीद लाए बिना देखे लेना ही नहीं था या पिक लेना भी था तो ऐसा पिक नहीं लेना था हमें दूसरी तरह का पिक लेना था पर वो तो आ गया पोक में वो तो थैले में आ गया देखा नहीं उस समय अब घर पर पछताड़ बोला तो ख़रीदला है हम लोग भाई कई बार ऐसा होता है हम लोग सब्जी खरीदने जाते हैं एप्पल फ्रूट्स खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर भी ना कई बार बोलते हैं भाई इतना ये दो किलो तू जो है एप्पल दे दे अब उसने क्या किया अपनी तरफ उसे पता होता है कहाँ कहाँ खराब एप्पल रखे हैं चार पाँच उसने दस बारह एप्पल में चार पाँच खराब भी डाल देता है वो बिना देखे लिया है तो पछताना पड़ेगा

पिक इन आगे देखिए अब ब्रिंक डाउन द हाउस ब्रिंक डाउन द हाउस ये ये जो ईडियम है ये जनरली बना है थिएटर के लिए और जो प्रोग्राम होते हैं स्टेज शो होते हैं टीवी पे जो प्रोग्राम आते हैं उनके लिए एक्चुअली बना है ये पहले थिएटर के लिए बना है एक्चुअली ब्रिंक डाउन द हाउस और थिएटर ना किसी बड़े हाउस में बड़ा ओपेरा हाउस या कोई थिएटर बड़ा ना सिनेमा हॉल जिस तरह होता बड़े बड़े हॉल होते थे और उसमें कलाकार परफॉर्मेंस दे रहा है कोई म्यूजिशियन कोई सिंगर कोई डांसर और खासकर ये ब्रिंग डाउन सास है ये ये होते हैं है ना ये जो मजाक करने वाले जो होते हैं जो स्टैंड बाय कॉमेडी स्टैंड कॉमेडी करते हैं या जो पुराने ज़माने जेस्टर होते थे विदूषक जो मजाक करने वाले लोग होते थे है ना आ, क्लाउन होते थे वो जो मस्ती मसी मज़ाक करते थे तो वो लोग ना कई बार पब्लिक को इतना हंसाते थे इतना ज़ोर ज़ोर से हंसाते थे ऐसा लगता था कि यार ये इतनी ज़ोर ज़ोर से पब्लिक हंस रही है कि ये घर की छत टूट करके नीचे ना आ जाए बोलते ना अरे यार तुमने आसमान धरती एक कर रखा है तुम भाई इस घर को गिराओगे क्या इतना ज़ोर ज़ोर से क्यों हंस रहे हो क्यों ऐसे पेट पकड़ के हंसना लाते मारना और, और मज़ा आ गया मज़ा आ गया इस तो ज़ोर हंसना तो ऐसा लगता है जैसे आप उस घर को ही नीचे गिरा दोगे ब्रिंग डाउन द हाउस तो ऑडियंस का जोर जोर से हंसना ऐसा लगे मानो कि घर ही नीचे आ जाएगा आसमान ही नीचे गिर जाएगा और ये तब होता है जब कोई कलाकार बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है और वो आपको हंसाता है आपको बहुत जोर जोर से हंसाता है उस स्थिति को बोलते हैं ब्रिंग डाउन द हाउस ब्रेकिंग ब्राकिंग द हाउस नई ब्रेकिंग द हाउस इसका मतलब समझो आप ब्रेकिंग द हाउस घर को तोड़ना नहीं हाउस एंट्रिंग सेरेमनी गृह प्रवेश की समारोह वो नहीं टू बिकम एंगर गुस्सा होना टू गेट दी ऑडियंस लाफ लाउडली ऑडियंस को जोर जोर से हंसाना इतनी जोर से हंसाना ऐसे लगे मानो कि ये घर ही टूटकर नीचे आ जाएगा तो टू गेट दी ऑडियंस लाफ लाउडली ठीक है टू गेट द ऑडियंस लाफ लाउडली समझ आ रहा आप लोगों को ये हो जाएगा